आपने सुना होगा कि गिरती दीवार को एक और धक्का सही, लेकिन इस बार गिरती दीवार को संभाल लिया गया और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में कम बैक कर चुका है। होप्सो के एक आखिरी उम्मीद जो किरण है आज वो जल चुकी है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर आज का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच था वो साबित हुआ। हाँ, आपने ये बिल्कुल ठीक सुना कि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ सूरत हाल है, उसकी कुछ शर्तें ज़रूर हैं। वो क्या शर्तें हैं और वो किस तरह जा सकते हैं, डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक अच्छा स्टार्ट लिया वर्ल्ड कप का, उसके बाद लगातार एक के बाद एक मैच हारते चले गए और ना सिर्फ ट्रॉल हुए बुरी तरह पाकिस्तानी मीडिया के आगे, पब्लिक के आगे और क्रिकेट बोर्ड के आगे, मतलब तमाम फैंस के आगे, मतलब ट्रॉल होकर रह गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आज एक ऐसा मौका उनको मिला कि अपने आप को साबित करने का, और उन्होंने एक अच्छे रन रेट से बांग्लादेश को हरा कर एक एक जो है ना एक वापसी की जो है उम्मीद रोशन की है और आवाम को एक और उम्मीद दिलाई है। वो किस तरह, क्योंकि चार मैच पाकिस्तान जीत चुका है और 6 पॉइंट उनके पास आ चुके हैं, तो अभी पाकिस्तान किस तरह आगे जा सकता है ये भी मैं बताऊँगा इसी व्लॉग में कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान बिल्कुल जा सकता है। वो किस तरह जा सकता है, एक तो सूरत हाल ये है कि आज जो मैच हुआ बांग्लादेश के साथ, आई थिंक उसमें भी थोड़ा सा लैग करके 30 ओवरों के पहले इसको जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए था। 30 ओवर पहले अगर ख़त्म कर देते तो एक अच्छा रन रेट मिल जाता है, लेकिन फिर भी 2 ओवर्स का डिफरेंस आया तो अभी तक नेगेटिव में चल रहा है रन रेट, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल आ सकती हैं। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान जो है वो अभी 2 मैच उसके होने हैं, एक मैच उसका होगा इंग्लैंड से और एक न्यूजीलैंड से। जो न्यूजीलैंड से मैच होना है वो भी उनको एक अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, और इंग्लैंड से भी, इंग्लैंड से होप्स हो के पाकिस्तान मैच तो जीत जाएगा, लेकिन जो न्यूजीलैंड है उससे थोड़ा सा टफ कंपटीशन होगा। लेकिन यहाँ तक अभी बात ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान जुड़ी हुई है न्यूजीलैंड के साथ। अगर न्यूजीलैंड अपने आने वाले 3 मैच में से 1 मैच हार जाती है और 2 जीत जाती है, ज़रा सुनिएगा, 2 मैच अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है और 1 हार जाती है, तब भी पाकिस्तान के साथ बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि रन रेट में मुकाबला होगा, रन रेट जिसका बेहतर होगा उसके लिए पाकिस्तान को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से एक अच्छे रन रेट से कैसे जीता जाएगा। अगर न्यूजीलैंड टारगेट चेस करता है, अगर पाकिस्तान और तो 300 का फॉर एग्जाम्पल अगर टारगेट देता तो पाकिस्तान को 40 ओवरों में ख़त्म करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान पहले खेलता है और एक अच्छा टारगेट देता तो न्यूजीलैंड को जल्द जो है वो पवेलियन वापस पहुंचाना पड़ेगा, तो 100 पे बात होगी। अगर न्यूजीलैंड ये 3 में से 1 मैच हार जाता है, और या फिर यूँ समझ लें कि श्रीलंका से भी हार जाता है और न्यूजीलैंड पाकिस्तान से भी हार जाता है, तो डेफिनेटली वो बाहर है और पाकिस्तान सेमीफाइनल में इन कर जाएगा। तो ये सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल की, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन ऐसी बन गई है कि होप्स हो के पाकिस्तान के लिए 2 मैचेस जीत जाए और न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका से भी हार जाए और पाकिस्तान से भी हार जाए, तो पाकिस्तान आगे जा सकता है और एक अच्छा मैचेस और वर्ल्ड कप में कमबैक कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के साथ ये वर्ल्ड कप जुड़ा हुआ है, ये आप लोग भी जानते हैं। और जब तक पाकिस्तान टीम में रहेगी मज़ा नहीं आने वाला, तो इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान ये 2 मैचेस जीते और आगे बढ़े, और ताकि हमारी जो उम्मीदें हैं फिर से, जो उठी हुई उम्मीदें हैं वो दोबारा से बुझ ना जाए। तो उम्मीद है, दुआ करते हैं, और दुआ में जो है ना वो सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में, और तब तक इस वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।